वेलकम बैक खुशामदी सभी सुनने और देखने वालों का हमारा खरी एफएम 97 के स्टूडियो से लाइव आरजे आरजू मलिक आपके साथ मौजूद हैं और 9:23 हो चुके हैं, 10 बजे तक साथ रहेगा मेरा आपका। सो जी कहां कहां से आप हमें सुन और देख रहे हैं बताएं जी, कॉल करें 0537601961 पर, इसके अलावा व्हाट्सएप करें 0302315997 पर, www.facebook.com/FM97 हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पे आप हमें लाइव अभी देख रहे हैं। लाइव हम आ चुके हैं। ओके जी, आपने मुझे बताना है कि इंसान को और कुछ आए या ना आए, कम अज कम उसे डैश आना चाहिए। ये लाइन आपने मुकम्मल करनी है कि इंसान को क्या आना चाहिए। फेसबुक पे लाइव आ चुके तो मैं उनको बता दी हूँ, कॉल्स आपकी आ रही हैं उनको मैं अटेंड करती हूँ, तो आपने भी यही बताना है कि इंसान को, आप कमेंट में बताए ना कि इंसान को और कुछ आए या ना आए, कम अज कम उसे क्या आना चाहिए, ये आपने बताना है। और कॉलर हमारे साथ है, कॉलर की सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा है हमारे साथ खा दिया, कैसे आप? ठीक है, हाँ हमारी दुआएं बिल्कुल आपके साथ हैं। क्या कर रहे हैं हमजा? जा रहा हूँ। अच्छा सोफा बनाने जा रहे हैं कि लेने जा रहे हैं? नहीं, बनाने जा रहे कस्टमर के घर। अच्छा कस्टमर के घर, ठीक हो गया हमजा। इंसान को कुछ आए या ना आए, कम अज कम उसे क्या आना चाहिए? बातचीत करने का, इकराम करने का, यानी के बात क्या कहते हैं, तरीका आना चाहिए बातचीत कर। ठीक हो गया। और डर क्यों? नहीं नहीं मैं नहीं डरती, मैं बहुत बहादुर हूँ। अच्छा हमजा, आपको वैसे बचपन में घर वालों ने किस चीज से डराया था? किसी चीज से नहीं डराया, आप बहादुर थे बचपन से, अभी भी नहीं लगता। आपको बेशक जंगल में बिठा के हॉरर मूवी दिखाई जाए, हॉरर मूवी दिखाई जाए, अच्छा कुछ मूवीज ऐसी है कि जिसे देखने में सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही थी तो बहुत सारे लोगों को ना हार्ट अटैक आ गया था उसे देखने के बाद। अच्छा कब्रिस्तान के अंदर चलते जाते थे। अच्छा वहाँ से भी हम रात चले जाते थे। फिर आप बहुत बहादुर हैं, ठीक हो गया। क्या हमें आप जितना बहादुर होने की जरूरत है। अचानक से तरह निकालना है ना, वो उसमें बैठा दिया उससे तो जाहिर बना एकदम से डर ही जाता है। ठीक हो गया, हम और कुछ कहना चाहेंगे? और मरियम आपी को आनी मान खलीफा एरम अनिला जग जतीजा लड़ाया बादशाह दुआबा जोया। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, फेसबुक वालों के कमेंट्स आना कहना शुरू हो गए हैं, मुझे तो वो भी मैं साथ साथ शामिल करती चलूंगी। और शुएब ने गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग आपको भी, और जैनब ने भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और उनते दोपहर जो टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग तो शो ही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, उनका रफीक हमारे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक ठाक। आपको आपके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने मुझे मुबारक दी और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी ना सलाम दुआ करा लो। सलाम दुआ? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है अंकल? अच्छा बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? नाम बताइएगा। शाजमा मलिक, हालिक शाजिमा हालिक। अच्छा कैसी हैं आप? आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो, और अंकल रफीक की बहू बहू बंदा भी बहुत बहुत मुबारक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा कितने दिन हो गए जी आपकी शादी को? हमें तो आज पता चला। एक हफ्ता हो गया। शादी को शादी के कैसी जा रही है? एक हफ्ते बाद की शादी की लाइफ बहुत अच्छी, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अंकल रफीक बहुत अच्छे हैं, है ना? हाँ जी बहुत अच्छे। आपको आपको रेडियो सुनने का शौक है वैसे कि अभी स्टार्ट? मैंने कभी नहीं सुना, आज कल मैंने। अच्छा अब आपके कामों में एक काम ये भी शामिल हो गया, अपने रेडियो भी सुनने साथ साथ। सही। अच्छा चले आप मुझे टॉपिक पर भी बताए ना साथ साथ कि बचपन में आपको किस चीज से डराया गया था घर में, आपको डर लगता है किस चीज से कि कोई नहीं डरा के बैठे हो? ये अब मुझे बात करें। चले ठीक है ओके ओके।
करवाए बात। वालेकुम अस्सलाम जी अंकल, ठीक हो गया अंकल? ठीक हो गया, बहुत अच्छी लगा बात करके उनसे मुझे। अच्छा अंकल, टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे आपको? बेटे मैं कहूँगा कि अगर कुछ नहीं ना आपका थोड़ी बड़ी आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इंसान की। ये दोनों चीजें हैं जो बुनियाद है इंसान की, बुनियाद है। बिल्कुल ठीक है अंकल, ये नहीं है तो इंसान किसी काम का व्यवहार ऐसी है, शुतुर व्यवहार ऐसी चीज है जिसने आपको जानता हुआ है, कपड़े ने आपको जानता हुआ है, ऐसा ही है। ये छोड़ देंगे तो रो ही जाता है बंदा। ऐसा ही है। और अंकल कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहें? और की क्या बात कर रही है अंकल, आपको बचपन में किस चीज से डराया गया था जो अभी भी आपके साथ चल रहा है? डर का नामो निशान भी नहीं है, डेंजर काम की है, खतरनाक काम की है। और मैंने जो जिन्नात की बात कर दी, मैं ये सीखता भी रहा हूँ जिन्नात। हाँ, इनसे वास्ता भी पढ़ा, देखा भी है इनको, इन्हें काबू करने का तरीका तो नहीं सीखते थे? नहीं सीखते। अच्छा, फिर मुझे मार पड़ी। अच्छा, घर से? नहीं नहीं, जिन्नात से। ओ, वाकई में? बिल्कुल साफ है, इसमें कोई पूछ नहीं। अगर आपको चिमटे नहीं हो जिन? नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया अंकल। अगर वो जिंद काबू हो जाते तो आज आपने फिर क्या घर बैठ के शो? फिर अंकल जितना भी आपके साथ रेडियो ट्यून करके सुनना करना था मैं फिर सही हो गया अंकल। और कुछ कहना चाहें? मैंने ये अच्छा खतरनाक हो गया, मैंने छोड़ दिया, नुकसान ना हो गया। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ताकतवर है ऐसा ही है। और अंकल कुछ कहना चाहे सुनने वालों को? बात यही मैं कहूँगा की मुझे मुबारकबाद दी है, आपकी बात मैंने करवा दी है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करें अपने जो जिंदगी है इसे गुनाह से बचा करें। गुनाहों से बचा करके, बहुत अच्छी बात। अगर आपकी जो जिंदगी उसका जो मकसद है ना, वो सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है मकसद, कामयाब जिंदगी का मकसद जो है, जैसे जो कोठियाँ जो कार है, ये सारा कुछ उनके पीछे भागना, जो जिंदगी का मकसद नहीं है, आरजी है। हाँ जी, आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि आप कामयाब जिंदगी का। बिल्कुल ठीक हो गया अंकल, बहुत अच्छा पैगाम, और मैं इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगी आज का हम जिस मकसद के लिए चल रहे हैं। मेरी बातों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बता ला मेरी बेटी को यहाँ का पत्ता दे। आमीन। कभी दुख न दे। आमीन। दुआएं भी मांगते हैं, बैठते हैं तो बच्चों को दीजिए, दादा जी की बेटी बच्चे सुनते हैं सबको यहाँ का पत्ता देना, और कभी दुख न दे, खास करके बेटियों को सुख दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। आमीन जी जी, सब फूल से खलते रहे, खुशबू देते रहे। और अपनी बेबी की तो मैं अगर सुन रही हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे आओ, आपकी आवाज सुनने काफी अच्छा ही होगी। जी जी बिल्कुल, इतनी शख्सियत वो भी। और मेरी जानी बेटी मरियम आज मरियम दरिया से जी, वो तो आ चुकी है। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हाफिज। ओके जी अंकल, रफीक हमारा साथ दे रहे थे और बातें कर रहे थे बहुत अच्छी, कि हम कोठियां कार बंगला पैसा इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी से बड़ा हमारा मकान बन जाए, टंग स्लिप हो जाती है, कोई बैड कमेंट ना करे इस पे। तो टंग क्या मैं कह रही थी कि इनके पीछे भाग रहे, लेकिन हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है हम उसको भूल जाते हैं, कि हम सुकून को ढूंढते हैं, कि हम खुद को बिजी रखने के लिए, खुद के सुकून के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर लें, हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस हो, कार हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो। सो उसके पीछे हम भाग रहे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असल सुकून कहाँ है। तो वो आपने खुद ही देखना है कि असल सुकून जो है ना, वो अल्लाह की याद में ही है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो आगे पीछे निकल जाते हैं कामों में,
लेकिन उनको बाद में चल के बेसकूनी रहती है, वो हर मुकाम हासिल कर देते हैं, पैसा दौलत जायदाद हर चीज सारी दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन फिर भी उनको कोई बेसकूनी रहती है, उनको किसी चीज की तलाश होती है। सो उन लोगों ने देखा जाना और पा लिया कि सुकून असल अल्लाह की ज़ात में है, अल्लाह की याद में है। अगर उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सुकून होगा। और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी रास्ता आप इख्तियार करते हैं ना, गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, बहुत से ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं बंदा कि कहता है इसमें मेरा सुकून है, लेकिन वो असल में बेसुकूनी है, वो आपको एक्चुअली में सुकून कभी नहीं दे सकेगा। थोड़े टाइम का सुकून होगा लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी अजाब रहेगी और बेसुकूनी ज़्यादा से ज़्यादा। फसले गुल है और इसके अलावा कमर्शियल ब्रेक भी है, ब्रेक को शामिल करते हैं, बताते हैं वापस। ओके जी, फेसबुक वालों को भी कहते हैं खुश आमदीद, आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे साथ पास जमा हो चुके हैं, आपके कमेंट्स को भी मैं शामिल करूंगी। ओके जी, मियां हुरम शहजाद कहते हैं नाइस, और जैनब चौधरी कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मनीला गुड मॉर्निंग कह रही हैं, मनीला रानी, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम सलाम। सफीर अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग, आरजू का मलका। ओके जी सफीर अहमद खारियन की तरफ से आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसी मनीला रानी कहती हैं ये आज़ाद कश्मीर ददियाल से है, ठीक हो गया जनाब। इंसान को कम से कम बोलने की तमीज़ आनी चाहिए, ठीक कहा आपने जनाब। अलित हैं और सलाम कहते हैं सिस्टर क्या हाल है, बिल्कुल ठीक ठाक शदेव गजन, गुड मॉर्निंग कहा, नाइस शो है। और चौधरी वसीम कहते हैं शो इज गोइंग ग्रेट, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि चौधरी वसीम नाम तो सुना होगा, बस आज मैंने सुन लिया नाम आपका। और चौधरी गुलाम कादिर ने गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग। फैसल रफी कहते हैं सलाम, कैसे हैं आप, सब अच्छा है, ठीक हो गया जी, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। महमूद सुबान कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और नाइला अलवी कहती हैं सलाम वालेकुम सलाम, टॉपिक के बारे में भी बताएं ना, आपको बचपन में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डराया गया था, जिसका खौफ जिसका डर अभी भी आपके अंदर मौजूद हो। और इसके अलावा क्या पूछा था मैंने, जहाँ पे मुझे लाइव देख रहे ना है, नजर नहीं आया कहाँ गया, जहाँ पे मुझे लाइव देख रहे ना वहाँ पे मैंने कैप्शन भी दी हुई थी, कहाँ थे, चलिए ठीक है साथ ही होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि इंसान को कुछ आए या ना आए कम अज कम उसे क्या आना चाहिए, आप ही बताए ना। आखिर जी नायला अली सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं, ठीक हूँ। नायला अली कहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल वैसे लेते तो नहीं है हम, 0537601961 हमारा कॉलिंग नंबर है, वहाँ पे कॉल लेते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा तावला हो तो फिर कभी कभार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग वीडियो कॉल करना शुरू करते हैं तो वो हम नहीं बनाते अपने शो का हिस्सा। सुबान कहते हैं जी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग फिर गुड मॉर्निंग। फैसल हुसैन भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर, वालेकुम सलाम। और एमल रजा कहते हैं सलाम जी क्या हाल है, जजाक अल्लाह। फैसल हुसैन कहते हैं आई एम फैसल हुसैन भट्टी फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कंपनी NM Beauty Supply सियालकोट, ठीक हो गया, अभी हम ऑफेयर थे ना तो नाम ले दिया। ओह कहाँ गया गाना, हम लाइव चलने लगे जाने लगे ऑन एयर। फसले गुल है नुसरत फतेह अली खान कह रही है, ठीक हो गया, वेलकम बैक। कहती है जी 9:38 लास्ट लिंक, और सलाम जी क्या हाल है मेरी स्वीट आपी का, आई एम
और कहती हैं वो मैंने मैसेज पहले पढ़ दिया था, आगे कहती है वाह 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 क्या बात है आपकी, सवेरा तो नहीं लिखा मना 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 तो अपना नाम समरा लिखा था, आप ही आपने मेरा एसएमएस क्या क्या बना दिया। अरे मैंने क्या बनाना था, आपने ऐसा सा लिखा था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर, सलाम भेजा किसी ने, वालेकुम सलाम। कॉलर की भी सुनते हैं क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अंकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अंकल सईद खानिया से हमजा के मामा ठीक ठाक। अंकल आप सुनाए कैसी सेहत तबीयत है आपकी, कॉल नहीं अंकल देखे अंकल ऐसा ना कहा करें, ऐसे दिल टूट जाता है। वो ना सबकी कॉल भी तो मैं ले रही हूँ ना ब्रेक में अगर कॉल लूंगी तो फिर देखें आपका बैलेंस आया हो जाना है, फिर आपने तो ऑन एयर कॉल करनी होती है। ब्रेक में वैसे ले नहीं देती, आपका भला होता है, आपका कितना बैलेंस बच जाता है, एक और शो में कॉल कर सकते हैं। चलिए अंकल आप बताएं कि इंसान को कुछ और आए या ना आए कम अज कम क्या आना चाहिए। अहलाक से पेश आने का तरीका आना चाहिए, शुतुर बेमहाज नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा अगर आपको बचपन में वैसे किस चीज से डराया गया था, किसी चीज से नहीं डराया, बहादुर। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे। अल्लाह का डर रखें फिर हर चीज का होप खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही। और कुछ कहना चाहेंगे अंकल। और मेरे साथ बेटी मुस्लिम मदन बेटी अंजिला बेटी आयशा बेटी फायदा हाँ जी इनम कॉल करें आप, अगर आपका बैलेंस मुक गया हुआ तो फिर फिर आप मैसेज कर बेटे की शादी की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। ओके जी इसमें तमाम ने इस्लाम भेजा और इमरान बशीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एफएम 97 मलिक इमरान पिंडी हाशिम बाड़ा है। ओके जी अस्मत अवान गुड मॉर्निंग। और फैसल हुसैन भट्टी कहते हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सबको खुश रखे, आमीन। इस मौसम में अल्लाह ताला सबको खुश रखे तो बेहतर है। बस दुआ किया करें क्योंकि इस दुआ से बड़ी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप किसी को दे सकते हो। हर गिफ्ट वक्ती है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका एक्सपायर हो जाएगा कुछ भी करके, लेकिन दुआ ऐसा गिफ्ट है आप जो किसी को दे सकते हैं, जो हमेशा साथ चलता है, जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, जो किसी की जिंदगी खुशियों से बदल सकता है, क्योंकि दुआ से बढ़ गई सबसे अच्छी दुआ वो है जो एक गायब इंसान के लिए की जाए। यानी सामने सामने तो हम बेदिल से भी कर देते हैं ना, अगर आपके सामने कोई बंदा नहीं भी मौजूद आप दिल से उसके लिए दुआ करते हैं, असल दुआ वो है और वो कबूल भी जल्दी होती है। फसलें गुल खत्म हो गई है, अब अगली बहार कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से, नाम बताइएगा। समरा कश्मीर से, जिनका अभी अभी मैंने मैसेज पढ़ा। हेलो, जिनका मैंने अभी भी मैसेज पढ़ा वही समरा ना? समरा आवाज नहीं आ रही। समरा मुझे आपकी आवाज आ रही है, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समरा क्या करती हैं आप? कुछ नहीं बस घर में। कुछ नहीं बस घर में मक्खियाँ काम अच्छा अच्छा समर क्या
हाँ हाँ वेलकम कहते हैं, आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो आप दोबारा दोबारा बार बार कॉल करें। साथ में अगर आप रेडियो ट्यून करें तो वहाँ पे आपको अपनी आवाज इतनी अच्छी सुनने को मिलेगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा हाँ रेडियो नहीं है। चले मुझे आप बताएं, इंसान को कुछ आए या ना आए क्या आना चाहिए, दोबारा से अपने मुंह से बता दें। हया आनी चाहिए और इसके अलावा डर नहीं बताएंगे किस चीज का डर। ओके जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, टाटा बाय बाय। अस्मत अमान कहते हैं हया और शर्म उनका पर्दा, इनकी जीनत है, दुपट्टे के बिना लड़कियां अच्छी नहीं लगती, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सभा चौधरी कहते हैं इंसान को कुछ आए ना आए कम से कम अच्छे अखलाक के साथ दूसरों से गुफ्तगू करनी आनी चाहिए। बहुत जबरदस्त थावा किया आपने जी। और इसके अलावा फैसल हुसैन भट्टी ने बेशक कहा, हान ने भी लाइक किया, प्रोग्राम को पसंद किया, फैसल हुसैन बेशक कहते हैं। और रहमान सलाम भेजते हैं और उमर बटानी है और पसंद कर रहे हैं शो को। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। राजा बिलावल रजा कह रहे हैं सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उमर गुल सॉरी क्यों किस बात के लिए, रहमान जट ने कहा हाउ यू फाइन जी। और उमर कहते हैं कल उमर कल बैठनी। चलने पता नहीं केड़ी जगह तो ना है। इमरान इकबाल ने कहा, इमरान दुबई से है। ओके जी, वैसे इसको मैं पढ़ने वाली जो थी ना जैसे नजर आ रहा है क्योंकि हम या के ऊपर ना हमजा नहीं है, इसको मैं इमरान दही पढ़ने लगी थी। इमरान ये दुबई है। आगे जी अब्दुल रहमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मलाइशिया से। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आपको भी आते जाते सुन रहे हैं मलाइशिया में, आराम से सुन रहे हैं। अच्छा जी, अहम पैगाम आया काशिफ अली मलिक के, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सुबह बखैर अमान। बखैर सुबह की इब्तिदा खूबसूरत कलाम के साथ। अल्लाह को क्या पसंद है, वो दिल जिसमें महलूक का दर्द हो, वो जगह जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, वो आंखें जिसमें हया हो, वो शख्स जो वादा वफा करता हो, वो आंसू जो खौफे खुदा से गिरे, वो हिदमत जो बगैर मतलब की हो। या रब ज़ुलजलाल हमारी हताएं बख्श दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा, आमीन। और आप सबके नाम जब 14 अगस्त के लिए अपनी मोहब्बत का दिखावा करते हैं झंडियां लगा के, तो उसी तरीके से जब वो रोड पर गिरी हुई नजर आए तो उसको प्यार मोहब्बत से उठाकर भी रख दिया करें, जबरदस्त बोला। रहमान जट ने सलाम का क्या हाल है, तो ये कौन सी जुबान आपके डब्बे से बने हुए हैं, चाइनीज मुझे तो नहीं आती। मुझे अपनी आती यही काफी है मेरे लिए। अच्छा जी फजल रियाज कहते हैं हाय हेलो, नाइला भी कहती हैं ओके जी, नो मसला ड्राया होगा प्यार याद पर याद नहीं। और इंसान को कम से कम इतना तो आना चाहिए कि कोई अगर मुसीबत या परेशानी में है तो उसका हौसला कैसे बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, ब्रेक द टाइम है, ब्रेक नो शामिल करते हैं, फिर आते हैं वापस और फिर लास्ट लिंक को शामिल करेंगे। बीओपी फोरेंसिका नहीं कोई बदल, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार बीओपी फोरेंसिक कर रहा है मेहनती कमाई डबल, तो फिर पैसा डबल करने के लिए बीओपी के काबिल एतमाद पार्टनर्स के जरिए बैरून मुल्क से अपनों को पैसे भेजे। ओके जी, फेसबुक वाले आपके कमेंट्स में पढ़ूं, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं, क्या मौजूद है, क्या कहते हैं कि हबीब महबूब रशीद ने कहा क्या हाल है आपका, आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद हुसैन कहते हैं मुस्कुराते हुए, उसने कहा शोही से एक दीवाने से दीवाना बना रखा है। हाँ पोइट्री शो तो नहीं है वैसे, बाद में पढ़ते हैं। मुनव्वर जुगनू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो और जल्दी सुना होना बड़ा ही, इसने कहा
ग्रेट और जट प्रिंस ने हाय हेलो और क्या हाल है, बिल्कुल ठीक ठाक। साजिद इकबाल कहते हैं सलाम और महबूब रशीद ने गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग तनवी। मंसर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, माशाल्लाह नाइस शो, आप ही क्या हाल है, आपका शो बहुत अच्छा है, आई एम फ्रॉम दुबई। ओके जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मंसर अली कहते हैं लवली ग्रुप को सलाम, ठीक हो गया। मंसर कहते हैं उदास भाई को सलाम, ठीक है मैं लाइव चार्ज कर देती हूँ। मंसर अली कहते हैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ, बन के पसंद में ठुकराया गया हूँ, छोड़ दिया गया तकलीर के सारे, हाँ आज उसी नजर से गिराया गया, समझ सकते हैं। बाद में इसको पढ़ती हूँ। हंस दिया आज के लिए चौधरी बिलाल, चौधरी उमर बिलाल बजाड़ के नाम और मनप्रीत क्या कहते हैं, मैं आज मरियम हमीद का प्रोग्राम का खुद होता है, आज मरियम हमीद आपके यहाँ पे शो नहीं करती, नौमी बहन हाय, आजू मलिक, मैं आज आरजू मलिक और मुझे आरजू मलिक आया है मैसेज, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी, अस्सलाम वालेकुम। और हनान आरिफ और भाई कहते हैं भाई है भाई, लाइव चलते हैं पहले। ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदी सभी सुनने वालों का एक दफा फिर से, और सलाम आया है मुझे, अस्सलाम वालेकुम आरजू, मैं मरियम धोरिया से, मेरी तरफ से अंका रफीक को बेटे की शादी की बहुत बहुत मुबारक, शाजमा को शादी मुबारक, वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा अंका रफीक और अच्छा मानो हदीजा जुनैदा इरम हबीबा सबा आरजे गुल आरजे मीरा आरजे फैसल रशीद आरजे गुल दोबारा से और सभी रेडियो फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अगर जी हनान आरिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इंसान को और कुछ ना आए, कुछ ना आए ये हुनर जरूर होना चाहिए जिससे वो अपनों और बेगानों में तमीज कर सके। और फैसल हनान भट्टी कहते हैं हमेशा इंसान को अपनी सोच को दुरुस्त रखना चाहिए क्योंकि सोच ही इंसान के दिल में उतरती है और दिल की बात हमेशा जुबान पर आती है और सब बातों से बेहतर है कि इंसान अपनी सोच को बेहतर करे। सही है। आरजू मनी कहती हैं हाय अप्पी, शो आपका नाइस है, थैंक यू सो मच। और फैसल हुसैन कहते हैं और जुबान से ही पता चलता है अगले इंसान की हकीकत क्या है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर जी जाहिर हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब लाजवाब प्रोग्राम पेश करने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी आवाज़ शानदार, अंदाज बयान शानदार और आपकी आवाज़ शानदार था है अल्लाह की जात पाक से दुआ कि अल्लाह आपको सेहत और लंबी जिंदगी अता करे, कामयाबी से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम सुनने वालों को और पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का एक छोटा सा मैसेज अगस्त के महीने में झंडा तो जरूर लेकर आए लेकिन उसका अदब भी एहतराम से और अदब एहतराम से और झंडे के साथ साथ ग्रीन पौधा लाजमी लगाएं। जाहिर हुसैन सियालकोट पाकिस्तान, सियालकोट रेडियो लिसनर्स क्लब पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच। आगे जी मैडम जी कैसी हो, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप भी तो अपना नाम बता देते मुझे, मैं बता के मैं अभी आपको मैडम या सर कुछ कह सकती हाँ यहाँ पे क्या हाल है, मेरी तरफ से सब सुनने वाले को सलाम, शो वेरी नाइस, मैं जोया बात कर रही हूँ फ्रॉम बिम्बर। ओके जी जोया ठीक हो क्या, सलाम एवरीवन, आई एम अली मिर्जित, अली मस्जिद कैसे नाम है, एक्चुअली ठूठा ठट्ठा सिंध से है, इंसान को कुछ आए ना आए लेकिन कम से कम फोन पर बात करनी तो आए। हाँ
अस्सलाम वालेकुम सना, अस्सलाम वालेकुम, शो वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम शफा। ओके जी, गुस्सा में भी सब्र, गुस्से में भी सब्र करना चाहिए इंसान को। ठीक है लड़का जान, तुम अब बदल गई हो, लड़की कैसे, लड़का अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो पहले कितना शर्माती नहीं हो लड़की। कमीने पिछली मतबा शर्मा के आंखें बंद की तो परस से 300 गायब थे। ठीक है अच्छा जी, माय नेम इज महबूब। अच्छा जी, महबूब बात कर रहे थे जिन्होंने कहा सर हैं जी, ठीक हो गया। अगर जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप ही कैसी हैं? गुल बलोच लाला मूसा से कह रही हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईमान क्या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शो अच्छा है। और टॉपिक पे, इंसान को अपनी गलती की माफ़ी मांगनी आनी चाहिए। सब सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मेरे प्रोग्राम में ना फ्री प्रमोशन भी चल रही है, घर बैठे बैठे बाहर मुल्क जाना हो तो फ्री वीजा लगवा। अर्शद मरी सलाम स्वीट क्यूट, आज ये क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और वेरी नाइस कह रहे हैं। और अर्शद कहते हैं ये सिंध से हेल्पफुल से हैं, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मैडम जी आप किधर से हैं? जी मैं बिल्कुल आपके आस पास यहीं वहीं से हूँ। जी बस आपके आस पास, देखें अभी मैं रेडियो पे मौजूद हूँ तो रेडियो से हूँ, खालिया से हूँ अभी फिलहाल तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से, नाम बताइएगा। गुल बलोच दादा मुसा से, कैसे हैं भाई जान, ठीक है आप? भाई जान आप पठान है? छुट्टी जा रहे हैं, वाह वाह वाह, फौजी हैं आप। इधर ही अभी छुट्टी का नंबर पड़ गया। अच्छा अभी लाला मुसा पहुंचे हैं? लाला मुसा पहुंच जाओ, खानिया से लाला मुसा। कितनी देर में घर पहुंच जाएंगे भाई जान? मैं तकरीबन 11 बजे इधर से गजी मिसा से ट्रेन हो मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर कोर्ट में बैठूंगा एसी वाले। अच्छा जाना वैसे कहाँ है आपने? शाम तक 3 बजे तक, 3 बजे तक, 3 बजे तक पहुँचेंगे। जाना कहाँ पे है? तो सिंध में, ठीक हो गया, यानी कि आप रेडियो सुनते सुनते रोली लगाए हुए खुद को जा रहे हैं। ठीक हो गया भाई, घर जाने की कितनी खुशी है। घर वाले को बताया हुआ है कि सरप्राइज देंगे? हेलो, अच्छा मैंने कहा है कि घर वाले को बताया हुआ है आपने घर जाने की खुशी कितनी है आपको? अच्छा मुझे बताएं, इंसान को कुछ आए सही हो गया, खुशी नजर आ रही है भाई जान की। भाई जान इंसान को कुछ आए या ना आए उसे क्या होना चाहिए कम से कम आपके ख्याल से? इंसान को एक तो इंसानियत है, उसके बाद इंसान में सोचे, क्योंकि लफ्ज इंसान के जो है ना, लफ्ज जो इंसान जब तक बोलता नहीं, लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, जब बोल लेता है तो लफ्जों का बंदा खुद बन जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे, यानी कि अल्फाज का इस्तेमाल अच्छे तरह से होना चाहिए। और दूसरी चीज तीसरी तो ये इंसान की सोच, ये इंसानियत है, यही है ना, इंसान में सोच क्या है, इंसानियत क्या है, एहसास एक दूसरे का, ये होना चाहिए। ठीक हो गया भाई जान, और कुछ कहना चाहेंगे सुनने वालों को? बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फरा नूर एंड आई एम आल्सो फ्रॉम खालिया, आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, और हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी जिंदगी का मुकम्मल जाब्ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया। ओके
देखिए जी, अब मेरे शो का टाइम खत्म हो चुका है। मैंने पूछा था इंसान को कुछ आए या ना आए, कम अज कम उसे क्या आना चाहिए, कम अज कम इंसान को बात करने का तरीका आना चाहिए, अहलाक के साथ दूसरों से पेश आना चाहिए, दूसरों की इज्जत करना आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ट्रस्ट कर रहा है तो उसके भरोसे का मान रखना आना चाहिए। अगर आप पे आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का मान रखें, उसको जलील ना कर दें, कम अज कम ऐसा आना चाहिए। किसी के भरोसे को कभी भी ब्रेक ना करें, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज है जो एक दफा टूट जाए ना, उससे का दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिस तरीके से आपके ऊपर कोई भरोसा करता है, तो यकीन करें आप उसके भरोसे को कायम रखें। जैसा कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है उसको वैसा बन के दिखाएं, अगर आप वैसा नहीं भी हैं फिर उसको बन के दिखाएं वैसा कि आप हैं ऐसे। क्योंकि जब इंसान का ट्रस्ट टूट जाता है ना, तो फिर एक दफा टूटने के बाद वो आप लास्ट कोशिश करें, शीशे के अंदर से दरार जो खत्म नहीं हो सकती है, वो भरोसा कभी कायम नहीं हो सकता। इंसान को कम अज कम दूसरा पहाड़ा होना चाहिए, ये भी अच्छा ही है, किसको नहीं आता होगा। ओके जी, अब मैंने चाहनी है आपसे इजाजत, और मेरी कल मुलाकात होगी हेलो संडे प्रोग्राम में। और मैसेज आया, मेरा मैसेज ये है कि इंसान को कुछ आए या ना आए, लेकिन अपने वालदैन का अदब करना आना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं किस्म से। वालदैन को तो हम कुछ समझते नहीं है ना, जैसे हमसे छोटे हों, वैसे बदतमीजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारी ज़िंदगी का असल समय अगले बंदे के दिल में जगह बनाना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैंने चाहनी है आपसे इजाज़त, कल मुलाकात होगी हेलो संडे प्रोग्राम में। जाते थे यही कहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें, आप बातें हैं हंसते हैं मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें, कोशिश करें अगर कोई चेहरा मुस्कुराए तो उस पर जवाब हूँ, आपकी वजह से कभी कोई आंख नम ना हो। फाइनली आरजे आरज़ू मलिक साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जो हाफिज़ मिला हाफिज़, पिया मौला पाकिस्तान जिंदाबाद, जो टाटा बाय बाय। आपसे भी ज्यादा चाहेंगे कल मुलाकात होगी हेलो संडे प्रोग्राम में।